आज AISF के राज सचिव खगड़िया में जीवी मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आगे की क्या कार्यक्रम है AISF का। आगामी 9 अगस्त को क्रांति दिवस के दिन AISF और AIYF पूरे राज्य के अंदर में जिला पदाधिकारी का घेराव करेगा। ये जिला पदाधिकारी का घेराव, सबको एक समान शिक्षा मिले, सबको रोज़गार मिले, और रोज़गार मिले उसको लेकर भगत सिंह रोज़गार गारंटी कानून बने, इसको लेकर किया गया। यह जिला पदाधिकारियों का घेराव पूरे राज्य के सभी जिलों के अंदर में होगा। हम इस बात को मानते हैं कि शिक्षक कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण से पढ़ाई नहीं हो पा रही है स्कूलों के अंदर में। हम विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ राज्य की सरकार से इस बात के लिए हम उम्मीद करते हैं कि जो शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में रेलवे स्टेशनों को बेचने का काम किया है, और एक एक करके रेलवे स्टेशनों को बेचती जा रही है, जिसके कारण से रेलवे जो सबसे ज़्यादा सेक्टर था रोज़गार देने का, वहाँ भी संकट पड़ा हुआ है। हम अपने आंदोलनों के माध्यम से इस बात को भी उठाएंगे, पूरे देश के अंदर में अल्पसंख्यकों पर, महिलाओं पर और दलितों पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, वह देश को खंड खंड में तोड़ देगा, और इस पर निश्चित ही राज्य की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार को भी हम घेरने का काम करेंगे। और जिला पदाधिकारियों के माध्यम से हम यह मांग करेंगे कि वह हमारा मेमोरेंडम व जो केंद्र सरकार के मसले हैं केंद्र सरकार तक पहुंचाए, जो राज्य सरकार के मसले हैं वह राज्य सरकार तक पहुंचाए, इस बात को लेकर हम घेराव करेंगे। इसका मुख्य मांग सबको एक तरह की शिक्षा मिले, समान शिक्षा मिले, सबको रोज़गार मिले, और रोज़गार अगर सरकार नहीं दे सकती तो बेरोजगारी भत्ता दे, और सब रिक्त स्थानों पर शिक्षक कर्मचारियों सहित सभी पदों पर बहालियाँ की जाए।